अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। फीस को लेकर पेरेंट्स व स्कूल मैनेजमेंट में जंग के हालात हैं। दोनों के अपने अपने वाजिब नजर आने वाले तर्क हैं। सरकार के फिलहाल जो भी आदेश अथवा नीति है वह अभिभावक के गले के नीचे नहीं उतर रही है, इसलिए प्राय रोजाना ही पेरेंट्स इधर उधर दरवाजा खटखटाते घूम रहे हैं। फीस को लेकर अमूमन सभी विद्यालयों में विवाद के हालात हैं, लेकिन मेरठ के केएल इंटरनेशनल के इस खिलाफ पेरेंट्स ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। पेरेंट्स का कहना है कि केएल द्वारा शेड्यूल जारी करना सिर्फ और सिर्फ पैसे वसूलने का फंडा मात्र है और वे इसका भुगतान नहीं करेंगे। करीब 1500 पेरेंट्स ने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं, जिसमें अभिभावकों के तमाम तरह के तर्क आ रहे हैं। उधर सरकार जुलाई से स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है, जबकि अधिकांश पेरेंट्स का कहना है कि कोरोना केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में वे अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे। इस आशय के कई वीडियो भी खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि भले ही एक साल खराब हो जाए लेकिन वे अपने बच्चों को मौत के मुंह में नहीं जाने देंगे। कुछ लोगों ने यहां तक कहा है कि पहले सरकार संसद व विधानसभा खोले, खुद कोरोना के हालात से गुजरे, फिर स्कूल कॉलेजेस। आज फिर अभिभावक संघ ने डीएम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियां ठप होने से अभिभावकों की स्थिति दयनीय हो गई है। पिछले कई माह से विद्यालय बंद हैं, लेकिन अभिभावकों पर फीस के लिए अनावश्यक व अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। प्रबंधकों ने फीस वसूलने के लिए व्हाट्सएप व जूम आदि के माध्यम से पीडीएफ लिंक आदि भेजे हैं। ऐसा सोची समझी साजिश के तहत किया गया, ताकि अभिभावकों पर फीस का दबाव बनाया जा सके। जबकि इतनी अधिक फीस लेने के बावजूद कभी किसी पब्लिक स्कूल ने इससे पहले ऑनलाइन पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं की थी। संघ का कहना है कि अधिक देर तक मोबाइल पर बच्चों के बने रहने से उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। संघ का यह भी कहना है कि मैनेजमेंट फीस के लालच में स्कूल खोलने के लिए शासन प्रशासन पर दबाव बना रहा है, लिहाजा जनहित में इन्हें खोलने की परमिशन न दी जाए। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल। कुछ सरकारों ने स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है, ये जानकर अभिभावक काफी परेशान हैं। अधिकतर अभिभावकों का कहना यह है कि ऐसे हालात में जहां हर रोज बड़ी संख्या में कोरोना पेशेंट्स निकल रहे हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं वो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल सर्विसेज या उनका केयर नहीं कर पा रही हैं, और दूसरी तरफ वो बच्चों के स्कूल खोलने की बात कर रही हैं, ऐसे हालात में अगर वो अपने बच्चों को स्कूलों में भेजेंगे तो वो बहुत ही रिस्क वाला होगा, और किसी के साथ कोई घटना घट गई तो कौन जिम्मेदार होगा। ये बातें आम पेरेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी उनके वैलिड पॉइंट्स हैं इसके अंदर। और मेरा ये सजेशन है सरकार को कि 2020 और 2021 को एकेडमिक ईयर को आप जीरो ईयर डिक्लेयर कर दीजिए, और इसमें जितने भी बच्चे हैं पॉसिबली उनको जो है अगली क्लास में जो है प्रमोट कर दिया जाए, जिससे कि वो किसी भी तरीके से डिमोरलाइज ना हो। और ऐसा संभव है, 1966 के अंदर जब मैं एक दिल्ली के प्राइवेट एडेड स्कूल में पढ़ रहा था तो उस वक्त टीचर्स हड़ताल पर चले गए थे, और विजय कुमार मल्होत्रा जी उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे दिल्ली के, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि सारे स्कूल के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। तो मैं उस वक्त 9th में पढ़ता था, मेरा भी प्रमोशन जो है 10th को हो गया। तो ये संभव है कि हम बच्चों को प्रमोट कर दें और 2020 और 21 को जीरो एकेडमिक ईयर कर दें, और बच्चों को स्कूलों में आने के लिए जो है हम ना कहें उनको। मुझे लगता है कि अभी घर ही सुरक्षित है, ये बात मुझे लगता है सरकार को समझनी चाहिए। अब आपको वह ऑडियो सुनवाते हैं जो स्कूल की तरफ से पेरेंट्स व स्टूडेंट को भेजा जा रहा है। डियर पेरेंट, होप यू एंड योर फैमिली मेंबर्स आर इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट।
Syllabus scheduled for April, May has been covered through PDFs, links, and teachers' videos. One cycle of assignments has also been conducted. Online tests will begin from Monday, 22nd June 2020 onwards. The marks of this test will be recorded and added. The syllabus of online test is being sent. Date sheet will be given soon. Preparatory leave will be observed from 5th June 2020 to 14th June 2020. A series of revision tests will be conducted from 15th June 2020 to 20th June 2020. During the preparatory leave, practice sheets will be sent. Teachers will be available for problem solving from 4 p.m. to 6 p.m. daily. For your reference, a compiled PDF of all subject activities is also being sent. Help your ward to file them as they carry marks. Thank you for supporting during this period of pandemic. Regards, class teacher. इन सभी बातों पर आज फर्स्ट बाइट टीवी ने पब्लिक स्कूल के संस्था सहोदय के सचिव राहुल केसरवाई से बात की। राहुल ने कहा कि इस मुद्दे को हम दो तरह से समझ सकते हैं, सरकारी व दूसरा प्रैक्टिकली। सरकारी जीओ 7 अप्रैल को आ चुका है, जिसमें फीस देने की बात कही गई है। साथ ही आर्थिक दिक्कत होने पर किश्तों में भुगतान करने की भी बात इस जीओ में कही गई है। सुप्रीम कोर्ट व अन्य कुछ हाई कोर्ट भी स्पष्ट कर चुके हैं कि फीस के मामले में किसी भी प्रकार का कुछ कंसेशन नहीं दिया जाएगा। अब प्रैक्टिकली सभी विद्यालय व्यक्तिगत स्तर पर चल रहे हैं और सरकार की तरफ से इन्हें कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती है। यह सारा सिस्टम अपना है और इसे चलाने के लिए फंड की जरूरत पड़ती है। बिना फंड ये कैसे आगे बढ़ पाएंगे? सरकार ने फीस न बढ़ाने के लिए कहा है, हमने वह मान लिया है। किस्त की बात कही है, वह भी तीन पार्ट में दी जा सकेगी। जहां तक बात ऑनलाइन पढ़ाई की है तो कोरोना तो अनिश्चित काल तक हमारे साथ रहेगा। इसके साथ ही हमें जीना व आगे बढ़ना है। बेहतर है इस नई व्यवस्था व परिस्थिति को कैसे बेहतर बनाएं, इस बारे में दोनों ही सोचें, न कि इसका विरोध करें। राहुल केसरवानी ने यह भी कहा है कि कुछ राज्यों में आगे बढ़ते हुए स्कूल कॉलेज खोलने शुरू कर दिए हैं, इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।